गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आईआईटी जोधपुर के हॉस्टल का रूम टूर। हॉस्टल में क्या क्या मिलता है और उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहती है, पूरा एक एक चीज दिखाएंगे गाइज। तो चलो। तो गाइज, एक लॉबी में आपका टोटल रूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक ये जो गैलरी है, एक बालकनी है, इसमें टोटल 9 रूम है। ठीक है, चलो किसी एक रूम में चलते हैं। सपोज मान लो इसमें चल रहे हैं 111, रूम नंबर अच्छा है गाइस, सो प्यारा। चलो गाइस, तो देखो पहले आप इंटर करेंगे तो आप सामने आपको है विंडो, मस्त यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। उसके लिए आपको ये ग्लास वाला इसको डोर को खोलना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत हवा अंदर आएगा। उसके बाद आपको मिलता है एक टेबल, और वैसे बहुत पुराना टेबल है, आप कुछ नए नए टेबल मिल रहे हैं तो इसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं। ठीक है, सामान रखने के लिए 3 ये रैक दिए गए हैं। उसके बाद आपको ये तो टूटा हुआ चेयर है, खैर आप चेयर भी चेंज करा सकते हैं। एक मिलेगा चेयर और एक मिलेगा बैट, बैट की भी साइज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ा बैट है। उसके बाद आपको मिलता है लोहे की अलमारी, जिसमें आप रख सकते हैं सामान। खोल के देखते हैं गाइस, ये देखो इतने बॉक्स हैं, इधर भी इधर कपड़े रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, और उसके साथ साथ इसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं आप। और आपको मिलेगा एसी, मस्त एसी के मजे लीजिए क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो एसी भी आप मस्त इंजॉय कर सकते हैं 24/7। और उसके साथ साथ एक पंखा भी दिया गया है, आपको पंखा यूज़ करना है तो पंखा यूज़ करिए और एसी यूज़ करना है तो एसी। और जो सर्किट दिया गया है तो वो यहाँ पे है, पंखे के नीचे यहाँ पे सर्किट है। अगर आप बेड वहाँ लगाएंगे तो आपको फ़ोन चार्ज करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर आप टेबल पे चार्ज कर सकते हैं या यहाँ पे, या फिर बेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपको देखना। अदरवाइज आप छोटा सा एक्सटेंशन ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, अप्रॉक्स 1.5 मीटर। ठीक है गाइस, तो कुछ ऐसा है रूम। बाकी ये जो वॉल पेंटिंग अभी होने वाला है तो मोस्टली ब्रीड 1 या 2 ईयर पे वॉल पेंटिंग होता है, आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो वॉल पेंटिंग हो जाएगा, ये भी पूरा वाइट वाइट मस्त हो जाएगा, नया हो जाएगा।